हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू यू, गुड इवनिंग टू ऑल। आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे प्रोनाउन पर बेस्ड, और उसमें से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे 60 तक, क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, और 61 से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज उनको पूरे कंप्लीट कर लेंगे। आइए 61, क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन एक एक बहुत बारीकी से आप पढ़ा करिए, जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना अटेंटिवली आप डायग्नोज कर पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए। तो ये क्या लिख रहे हैं आपका, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम दी कंपनी, ये लिख रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। ये देखिए एक एक टर्म इसको हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिख रहा है नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके लिए हैज लगा रहे, ये हैज लग रहा है सर नीदर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हैज नीदर के लिए लग रहा है, सिंगुलर होगा। अब आपने पढ़ा था वर्ब और पजेसिव का एक कॉम्बिनेशन होता है, कल ही के सेशन में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब पजेसिव इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, कि जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब वैसा पजेसिव। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर और पजेसिव हमारा सिंगुलर। ठीक है, जबकि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल और पजेसिव भी प्लूरल। अब यहाँ पर आपने लिख रखा है जी, यहाँ पर लिख रखा है देयर, तो इसका मतलब है अगर है सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर करना पड़ेगा, और सिंगुलर करोगे तो राइट आंसर विल बी हिज, ये सही आंसर होगा आपका। चलिए ये बात क्लियर हो गई, समझ आ रही बात भाई। ये यहाँ पर हमने हिज क्यों किया, क्योंकि हमें सिंगुलर लिखना था, सिंगुलर पजेसिव यूज करना था, और सिंगुलर पजेसिव हमारा देयर नहीं है, हिज होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते गाइस, देखो ध्यान से। अब पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े ना तो ये बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। कह रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है, दिस इज द रोड, ये वही रोड है हुज इनॉगरेशन, ये लिख रहा है। अब देखो ये जो हुज लगा रहा है सर, ये रोड के लिए लगा रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात भाई। और जबकि हमने पढ़ा था कि सर हुज का यूज तो हम लिविंग के लिए करते हैं, और नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग हो गया तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या सही करोगे, इसको ऐसे सही करोगे, द इनॉगरेशन ऑफ विच, इसको ऐसे सही करोगे, द इनॉगरेशन ऑफ विच, तब ये जाकर के करेक्ट हो पाएगा आपका। समझ आ रही बात भाई, दिस इज द रोड। ठीक है, द इनॉगरेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा क्यों, जैसे आपने पिछले सेशन में देखा था जहां पर हुज ओरिजिनेशन दे रहा था और वो रिवर के लिए हुज यूज कर रहा था, तो वहां पर भी गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि हुज का यूज हम करते हैं किसी लिविंग थिंग के लिए। 62 क्लियर गाइस, 63 पे आते हैं। 63 पे देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है मैनी हुमेन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़िए। मैनी वुमेन रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा इसमें कहीं पर मिस्टेक है, तो लेट मी चेक फर्स्ट, एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर मिस्टेक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। मैनी वुमेन रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, अच्छा हाँ सही भी है, क्योंकि इन लॉज एक साथ लिख सकते हो आप। ठीक है, मुझे लगा कहीं प्रॉब्लम है टाइपिंग में, लेकिन ये सही है, बिल्कुल इन लॉज सही लिखा है, इन लॉज। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैनी के साथ ये लिख रहा है वुमेन, WOMEN, और मैनी प्लूरल तो वुमेन प्लूरल, बिल्कुल सही है। रिकनसाइल भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है। टू द डिमांड्स ऑफ, ठीक है ये भी सही है भाई, डिमांड्स नाउन है उसके आप प्लूरल लिख सकते हो। ऑफ देयर, देयर किसके लिए यूज कर रहा है ये जरा पता करो आप, तो देयर ह्यूमन के लिए ही तो आया, इसका मतलब है सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए। ठीक है, चलो समझ आया भाई। अच्छा अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिख रहा है, मैनी सॉरी मे आई नो टू हु
आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। तो मे आई नो, भाई यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कह रहा है टू हु। आप देखो एक चीज समझना, जब भी आप कोई प्रपोजिशन लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो सर, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन लिखोगे, यहाँ पर जो भी प्रोनाउन लिखोगे, ये प्रोनाउन सर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रपोजिशन अपने साथ लिखे गए नाउन प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में स्वीकार करता है। ये कहता है कि भाई तुम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते हो, ठीक है, तुम सभी के सभी कैसे रहोगे, ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है, देखो यहाँ पर समझिएगा, ये टू जो है ये प्रपोजिशन है। अब आपने हु और हुम के बारे में क्या पढ़ रखा है, देखो कि सर ये जो हु होता है और सर ये जो हुम होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, बस इतनी सी बात है। तो इस हु की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हुम। हु की जगह लिखना पड़ेगा सर हुम, क्योंकि टू हु लिखोगे तो गलत है, टू हुम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये हमारा बनेगा, हमारा क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर बनेगा टू हुम। गॉट इट, समझ आ रही बात भाई, क्लियर है, बिल्कुल सही बात भाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 64। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, 64। तो हु के स्थान पर हम क्या करेंगे, हुम का यूज करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में जरा एक छोटी सी बात देख लो, मैनी हुम मैन रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, और सामंजस्य बैठाने वाला कौन, हुमैन, ठीक है, और जो जिसको करना है और जिसके साथ सामंजस्य होना है, दोनों पर्सन एक, और आपने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो हम क्या करते हैं प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे देमसेल्ज, रिकनसाइल देमसेल्ज, ये देखिएगा, ये एक्चुअली ना गड़बड़ थी यहाँ पर, ठीक है, नो एरर ना करिएगा, यहाँ पर ये गड़बड़ थी, ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा। रिकनसाइल के साथ हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज कर लेते हैं, जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे सेम, और जहां जहां सेम हो जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, जहां जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे वहां वहां प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। इसलिए वर्ब को याद करने से अच्छा है कि आप टर्म को समझें, ठीक है, चलिए। और मैंने कहा था कुछ वर्ब अपने साथ प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं करती है, जैसे नहीं लेती है, जैसे बहुत है, रेस्ट है, क्वालिफाई है, इनलिस्ट है, इस तरीके की वर्ब हमने लिखी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 65 हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 65 में देखोगे तो द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय क्लासमेट। देखिए एक एक टर्म आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, कह रहा है द पर्सन, ठीक है। अब इसको जरा एक एक टर्म अगर आप ध्यान से समझो तो बड़े आसानी से कर पाओगे। देखो द पर्सन क्या हो गया सर, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और हु भी क्या होता है सर, ये भी सब्जेक्ट होता है ना, आई सब्जेक्ट होता है, मेट वर्ब है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वो सॉरी वॉज वर्ब है, माई क्लासमेट इसके साथ लिख रहे हैं। अब देखो जरा यहाँ पर सब्जेक्ट दो दो है, दो दो सब्जेक्ट है, वर्ब तो एक ही है, इसकी इस वाले का सब्जेक्ट ये हो गया, इसका मतलब ये वाला कंप्लीट है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो वॉज लिख रहा है ये किसके लिए लिख रहा है, ये या तो हु के लिए लिख रहा होगा या तो द पर्सन, तो पहले तो ये द पर्सन के लिए आएगा, ठीक है, इसका मतलब हमें सब्जेक्ट की जरूरत कहीं पर पड़ी नहीं रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पर जरूरत होगी ऑब्जेक्ट की, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हुम, फिर हम हु का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ रही बात भाई, बताओ। यहाँ पर लिखेंगे द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, क्लियर है, समझ आ रही बात भाई, ओके गॉट इट, बहुत अच्छे। चलिए अब इसको देखो क्लॉज से भी सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ मैं, क्लॉज के माध्यम से, जैसे मैंने बताया था ना कि आप क्लॉज में भी तोड़ करके सॉल्व कर सकते हो इसको। देखो मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, देखो सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम गाइस बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा वो देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, द पर्सन सब्जेक्ट है और यहाँ पर वॉज माई क्लासमेट,
ये पूरी एक क्लॉज बन गई। तो ये क्लॉज कंप्लीट है सर, ये वाली क्लॉज भी कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गई। इसका मतलब जब सब क्लॉज कंप्लीट है किसी को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, तो होगी तो जरूरत खत्म, इसलिए हमने हुम लिख लिया। लो ऐसे भी सॉल्व कर लुआ। चलिए क्लियर, अगले वाले पे आते हैं। चलिए इसके बाद कह रहा है ओनिंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट टू गेट अ गुड हाउस। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हम ध्यान दें तो एक बात देखिए, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, स्टार्टिंग दो सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्या सॉल्व कर पाएंगे कि जब भी हम जीरंड का यूज करते हैं, जीरंड मतलब समझते हो आईएनजी वर्ड, जीरंड का मतलब आईएनजी वर्ड। ठीक है, और आईएनजी वर्ड जब नाउन का काम करने लगता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरंड। ठीक है, आईएनजी वर्ड अगर कभी भी नाउन का फंक्शन करे तो इसी को जीरंड बोल देते हैं। और जीरंड के पहले हम करते क्या है, प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज करते हैं सर। किस केस का यूज करते हैं, प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज करते हैं। गॉट इट, समझ आ रही बात भाई? बताओ कि प्रोनाउन का कौन सा केस लगाना है आपको, पजेसिव केस लगाना है। और जब पजेसिव केस लगाओगे तो यहाँ पर देखो बीइंग जीरंड है और इसके पहले मी, अब आप जानते हो आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पजेसिव है। तो यहाँ पर मी ना यूज होकर के हम यूज करेंगे माई का। तो ओनिंग टू माई बीइंग अ न्यू कमर, ये सही होगा आपका। ठीक है, समझ आ गई बात भाई? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्लियर हो गया, 67 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, देखो अब इसमें क्या करोगे भाई, समझने की कोशिश करो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लिख रहा है मेरा अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 इयर्स। तो मेरा जो एक अच्छा मित्र है उनमें से एक जो है वो लंदन में रह रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हमें फाइंड आउट करना है। अब बताओ आप इसको कैसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, यहाँ पर माइंड होगा, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी एक की ये बात कर रहे हैं। तो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, मी का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, समझ आ रही बात भाई? चलो ये भी क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आप 68 तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लगातार सॉल्व करते हुए चले आए हो। ठीक है, क्या कह रहा है, इट वॉज हिम हु, कौन सा, सब्जेक्टिव। और सर सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव ही लगाओ, और जब सब्जेक्टिव लगाओगे तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इट वॉज ही, ठीक है, हु केम रनिंग। ठीक है, बाकी आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 69, मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या लिख रहा है सर, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 में लिख रहा है, कह रहा है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ये लिख रहा है। तो राजू और मैंने दिल्ली छोड़ दिया लास्ट समर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये देखिए प्रोनाउन के अरेंजमेंट से ये 2 3 1 1 2 3 लगा नहीं पाओगे, तो 2 3 1 आपको लगाना पड़ेगा। और 2 3 1 में क्या करोगे आप बताओ जरा, ठीक, कि यहाँ पर 2 है नहीं भाई साहब, इसको हटाओ। अब बचा 3 1 3 1, देखो जरा क्या ये 3 1 लिखा है, नहीं सर, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। ठीक है, तो राजू एंड आई हो जाएगा, राजू एंड आई। चलो क्वेश्चन नंबर 69 भी आपका क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आने लगी होगी चीजों में, किस तरीके से प्रोनाउन के हम क्वेश्चन, इसीलिए हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ जितना भी पॉसिबल हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइज। ठीक है, अराइजेज, तो आई सब्जेक्ट हो गया, सर्टेनली अवेल ऑफ, तो अवेल के बाद आपको लगाना पड़ेगा सर माई सेल्फ, ये पीछे भी पढ़ चुके हो आप। ठीक है, इसके बाद लगाना पड़ेगा आपको माई सेल्फ। बट इट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफर का लाभ उठा रहा है ले रहा है, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों पर्सन, इस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब भी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं तो उस केस में हम प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है सर, इसको जरा ध्यान से देखिएगा 71 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है द बुक
is well illustrated and attractively bound, making altogether an attractive volume. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, जो बुक है वो अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट की गई है, ठीक है, एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, और अच्छी तरीके से बाउंड की गई है, मेकिंग इट, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन आपको एटलीस्ट एक डालना पड़ेगा, मेकिंग इट, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउन मस्ट है, किसके लिए, बुक के लिए, तब ये सेंटेंस बेहतर तरीके से आप कर पाओगे. Besides me, many other were present. ये क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है, तो इसको देखो जरा 72 में आप क्या करोगे, ठीक है, तो देखो besides me बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, मुझको छोड़ करके, besides का मतलब होता है के बगल में, जबकि besides का मतलब होता है के अतिरिक्त, many यहाँ पर other नहीं लिख पाओगे, देखो many के साथ plural लिखते हो तो other तो होता है singular, यहाँ पर लिखना पड़ेगा many others, ये बनेगा आपका, okay, got it, चलो ये भी क्लियर हो गया आपका. 72, 73 पे आते हैं गाइस. माई हाउस, ये देखिए क्या लिख रहा है, इसको सही करने की कोशिश करते हैं. माई हाउस इज फार्दर देन, ठीक है, हर्स, अब ये हर्स ऐसे नहीं लिखोगे तो गलत हो गया यार, और देखो प्रोनाउन के अपने खुद के पजेसिव होते हैं, तो कहीं पर अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा योर्स, तो भाई साहब ये भी गलत है ना, जैसे आप यहाँ पर हर्स लिख रहे हो ऐसे, तो भाई साहब ये भी गलत है, और अगर कहीं पर आप लिख रहे हो थोड़ी देर के लिए आर्स ऐसे लिख रहे हो, तो ये भी गलत है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे देन हर्स ऐसे, बिना एपोस्ट्रोफी के लिखोगे तब सही आएगा, ठीक है, और ये वाला तो टर्म ही गलत होता है तो उसको सही भी नहीं कर पाओगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 74, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन का, और इसके बाद प्रोनाउन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. He is the person whom everyone thought had stolen the ring. ठीक है, अब देखो यहाँ पर he is the person clause complete है, everyone thought ये भी clause complete है, बताओ भाई दोनों clause complete, तो ये has stolen the ring ये complete नहीं, क्योंकि इसका subject नहीं है, और इसका subject लिखना है तो ये तो object होता है, तो इसकी जगह क्या लिख लो, who, ठीक है, तो अब ये करेक्ट हो जाएगा आपका. चलिए got it, समझ आ गया बात भाई, तो ये आपका इस तरीके से गाइस प्रोनाउन का टॉपिक होता है आपका खत्म. अगला टॉपिक नेक्स्ट इसी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, इसी के आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे की चीजों को देखेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास.